हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दो मूवीज के रिव्यू करने वाला हूँ। एक है थिएट्रिकल और एक है ओटीटी पे रिलीज हुई फिल्म। अब थिएट्रिकल की जो है वो है इंडियन 2 और ओटीटी पे रिलीज हुई काकुदा Z5 पे। अब नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आपको अगर सीधा काकुदा पे जाना है तो आप सीधा जाके काकुदा का रिव्यू चेक कर सकते हो, या मेरे साथ बने रहो इस वीडियो में जहां मैं इंडियन 2 का रिव्यू आपको पहले दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि वो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो हो सके दबा देना, एंड यार कर दोगे तो अच्छा होगा। सो अगर मैं फिल्म की बात करूं इंडियन 2, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये फिल्म डायरेक्ट की है शंकर जी ने, मतलब भोले बाबा ने नहीं, शंकर ने। इन्होंने, अगर आपको याद हो, नायक फिल्म बनाई है इन्होंने, बनाई थी आई थिंक रोबो भी बनाई है इन्होंने, फिर बाद में इन्होंने अपरिचित बनाई, इन्होंने इंडियन भी बनाई थी जो फर्स्ट पार्ट था। तो ये सारी फिल्में जो है वो इन्होंने बनाई है, तो आप समझ सकते हो कि ये ऐसे टाइप की फिल्म बनाते हैं जहां पर पॉलिटिकल विजिलांटेज के बेस्ड फिल्म होती है, जहां पर गरीबी, करप्शन और इन सब से लड़ता हुआ एक आदमी के बारे में बताया गया है, बताया जाता है। तो अब उनकी ये फिल्म है, और आप, मैंने जो भी फिल्म बताई आपको, आई एम श्योर आपने इनमें से सब देखी होगी। इनफैक्ट शिवाजी द बॉस भी उन्होंने बनाई है, जो मतलब फॉर मी इट इज द बेस्ट फिल्म इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल विजिलांटेज जो हम कहते हैं ना, उसके बेसिस पे, एंड जब भी टीवी पे आती है हम सब देखते हैं। तो ऐसे फिल्में बनाने के बाद वो आए हैं इंडियन 2 के साथ में। अब मैं आपको बता दूं, अब ये सारी फिल्में तो उन्होंने बनाई हैं, पर हमने भी फिल्में देखी हैं जो इस बेसिस पे है किसी और डायरेक्टर बनाई, जैसे गब्बर हमने बॉलीवुड में देखी है, अभी हमने पिछले साल जवान भी देखी। तो ये फिल्में हमने काफी देखी है और अलग अलग तरीके से देखी है, अलग अलग कॉन्सेप्ट में देखी है। तो अब इंडियन 2 की प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई है कि ये फिल्म उसी टेम्पलेट पे चलती है जहां पर इंडियन की शुरुआत हुई थी, फर्स्ट पार्ट की शुरुआत हुई थी। इसमें वही सब चीजें के लोग, एजुकेशन का प्रॉब्लम, करप्शन का प्रॉब्लम, मतलब ऐसा लगता है कि आपने इंडियन ही देखी है इंडियन 2 के नाम पे, एंड उसमें कुछ भी ऐसा अलग आपको देखने नहीं मिला है। बस इसमें ये चीज दिखाई गई है कि यहाँ पर सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव यूज बताया गया है कि किस तरीके से लोगों को, आज के यूथ को जागरूक किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट हैपन इन द सोसाइटी। एंड सिद्धांत इस फिल्म में है, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है। इनफैक्ट मैं कहूँ कि पूरे फिल्म में मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद आए, एंड ऑब्वियसली कमल हासन सर तो है ही इस फिल्म में, पर यार मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा आई थिंक उनको जो शेड दिया गया ना इस फिल्म में, वो थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा, स्पेसिफिकली सेकेंड हाफ में जहाँ उनको टोटली नेगेटिव बता दिया गया। तो वो चीज़ एक है, पर फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी ठीक है, देखने लायक है, पर सेकेंड हाफ काफ़ी बुरा है। मतलब मैं आपको कहूँ कि 3 घंटे की पिक्चर आपको बड़ी लगेगी, बहुत ज़्यादा 3.5 घंटे तक लग जाएगी। तो ये प्रॉब्लम हो गई, बाकी म्यूज़िक को इतना खास मुझे लगा नहीं, एंड डायलॉग्स भी को इतने खास थे नहीं। वही मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब चीज़ें मैं पहले देख चुका हूँ। एंड एंड में मिड क्रेडिट्स में उन्होंने इंडियन 3 का भी जिक्र किया है, ट्रेलर लेके आया है इंडियन 3 का, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर मुझे टोटली मतलब इतना ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया कि इंडियन 3 क्या होने वाली है। बट ऑब्वियसली इसमें भी वही चीज़ें होंगी, एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखा तो ज़्यादा बढ़िया है, और 2025 में आने वाली है, एंड इस फिल्म को बहुत हैवी बजट में बनाया गया है, तो मुझे पता नहीं किस तरीके से ये फिल्म चलेगी, बिकॉज प्रमोशन वाइज भी कुछ भी नहीं हमें दिखा है इस फिल्म का। तो एंड सरफिरा के साथ भी टक्कर है, एंड सरफिरा फॉर मी हैज़ अ बेटर बज़ देन इंडियन 2। तो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी इंडियन 2 को नॉर्थ मार्केट्स में। तमिल ऑडियंस के लिए शायद ये फिल्म अच्छी चल जाए, बट फॉर नॉर्थ ऑडियंस आई थिंक इतनी खास नहीं। इवन दो उन्होंने नॉर्थ पे इस बार टारगेट किया है, फिल्म में भी उन्होंने गुजरात, पंजाब, यहाँ के करप्शंस भी दिखाए हैं, तो वो एक अलग चीज़ लगी है, पर अगेन फिल्म का टेम्पलेट वही पुराना था, तो मुझे थोड़ा कम पसंद आया। सो यस, फॉर मी इंडियन 2 डिड नॉट वर्क एट ऑल, एंड मैं इस फिल्म को दूंगा 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5, एंड मैं उसके बदले आपको सजेस्ट करूंगा आप देखिए मेरा अगला रिव्यू काकुदा का। काकुदा की अगर मैं बात करूं तो ये फिल्म डायरेक्ट की है आदित्य सरपोतदार ने, जिन्होंने मुंजिया भी डायरेक्ट की है मैडॉक के साथ में, पर ये फिल्म मैडॉक की नहीं है, ये RSVP की फिल्म है, पर ये फिल्म बहुत ज़्यादा स्त्री की याद दिलाता है। अब ऐसा लगता है कि स्त्री 2 जब बन रही थी तब भी ये फिल्म भी शायद बन रही थी, साइमल्टेनियसली दोनों शूट हुई, बट ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली देर आर सम चेंजेस, एंड ये फिल्म इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट भी बहुत ज़्यादा अलग है, एंड एक हॉरर कॉमेडी को एक अलग ही टाइप का ये नहीं कहूँगा कि
टोटली कॉन्सेप्ट अलग किया है, पर स्टोरी लाइन इसकी बहुत डिफरेंट है, एक अलग तरीके की चीज़ बताइए, जहाँ स्त्री में ज़्यादा औरतों पर ध्यान दिया गया था, यहाँ पर मर्दों पर ध्यान दिया गया है। एंड इस फिल्म में ऐसे ऐसे पोर्शंस हैं जो आपको क्वेश्चंस अराइज करेंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको टुवर्ड्स द एंड मिलेगा। इस फिल्म में साकिब सलीम है, इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा है, एंड मेरे फेवरेट रितेश देशमुख भी है। तो बहुत ही अच्छी कास्टिंग की है इस फिल्म में, और जिस तरीके से ये फिल्म का इनिशियल सीन्स है, शुरू शुरुआत में सीन है जहाँ पर सब बताया गया कि क्यों हर घर में दो दरवाजे हैं और हर मंगलवार 7:15 बजे एक दरवाजा जो है, जो छोटा दरवाजा है, उसको खोला जाता है, बिकॉज अगर वो नहीं खोला तो आपके पीछे कुछ ऐसा बन जाएगा और 13 दिन बाद आपकी मृत्यु मृत्यु हो जाएगी, और ऐसा होता है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये ऑब्वियसली एक हॉरर कॉमेडी है तो उसको एक रियलिस्टिक चीज़ बताई गई है। अब रितेश देशमुख है, वो गोस्ट हंटर है जो इसका इलाज करने आए हैं, और किस तरीके से वो इलाज करते हैं ये इस पूरे फिल्म का हिस्सा है। साकिब सलीम ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है, सोनाक्षी सिन्हा ने भी अच्छी एक्टिंग की है, रितेश देशमुख तो क्या कहूँ, ज़बरदस्त रहे ही हैं वो फिल्म में। और साकिब सलीम का दोस्त है जिन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, अब मेरे दिमाग में उनका नाम एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है, बट हमारे वही पंचायत में जो जीजा जी का रोल जो प्ले करते हैं वही है, तो उनकी भी एक्टिंग बहुत ही बढ़िया रही है। ओवरऑल ओटीटी के लिए ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, आप देख सकते हो, विद फैमिली देख सकते हो, रात को देखो आराम से लाइट बंद करके, आपको थोड़ा बहुत डर भी लगेगा, और जो भूत है वो भूत भी कोई साधारण भूत नहीं लगता है, बहुत ही रियलिस्टिक लगता है, हमें भी थोड़ा बहुत डर लगता है, तो मतलब वो डर का पोर्शन भी थोड़ा बहुत अच्छा बताया है उन्होंने। एंड साथ साथ में हल्की फुल्की एक क्वर्क मैं कहूँगा, मतलब कॉमेडी नहीं कहूँगा या मैं लाफ्टर नहीं कहूँगा, पर एक क्वर्क है फिल्म में जो आपको थोड़ा थोड़ा टिकल करते रहेगा बीच बीच में। बाकी फिल्म की स्टोरी लाइन काम कर जाती है, फिल्म का डायरेक्शन काम कर जाता है, इस वजह से ये फिल्म देखने लायक होती है और हम बिल्कुल भी बोर नहीं होते। 2 घंटे की फिल्म है तो आराम से आप 2 घंटा बिता सकते हो वीकेंड में, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, मुफ्त का आपको सब यहाँ पर देखने मिल जाएगा। सो यस, फॉर मी काकुदा इज रियली अ नाइस फिल्म, वॉचेबल फिल्म, मजा आता है, मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 स्टार्स। बाकी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो हो सके कर देना। टिल देन मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।